अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम रमज़ान स्पेशल वेज स्प्रिंग रोल बनाएंगे, जो बहुत ही टेस्टी और आसानी के साथ बनने वाले हैं। इसके लिए हम मैदा ले लिए, वज़न में 1.25 किलो है ये। चावल का आटा लिए 100 ग्राम, 1 चम्मच नमक लिए। इन चीज़ों को हम भिगा लेंगे पानी के साथ, सादे पानी के साथ। वेज में हम कैबेज लिए, शिमला मिर्ची लिए हम 2, इसको हम काट लिए बारीक वाला, और प्याज लिए 2 बड़े वाले, इसको भी हम चॉप कर लिए। गाजर लिए 4, इसको भी हम छोटा छोटा चॉप कर लिए। कैबेज को भी हम अच्छे से काट लिए। कोथमीर लिए थोड़ी सी। मसालों में है हरी मिर्ची लिए 2 चमचे, अदरक लहसुन लिए 1/2 चम्मच, काली मिर्ची लिए 1/2 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच लिए हम, नमक 1 चम्मच लिए, चिली फ्लेक्स 1/2 चम्मच लिए, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच लिए हम, और इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे हम, ये मैगी मैजिक मैगी मसाला डालेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं। चावल का आटा और नमक मिक्स कर लेंगे हम, जिससे ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे चावल के आटे से। अभी हम सादा पानी डाल के निकालेंगे। दो हमारे को घट भिगाना है, पतला नहीं भिगाना है। दो हमारा कंप्लीट है। अभी इस तरह से ठीक होना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है हमको। अभी इसको रख देंगे 15 मिनट के लिए, हम फिलिंग बना लेंगे। एक पैन रख लिए हम, 2 चमचे तेल डाल लिए इसमें, तेल हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। अभी प्याज हम फ्राई करेंगे और साथ में गाजर भी ले लेंगे, क्योंकि ये जल्दी नहीं पकता, इसीलिए इन दोनों को फ्राई करेंगे। अभी इसको 2 से 3 मिनट हो गए, इसमें हम अदरक लहसुन हरी मिर्ची ये डाल लेंगे। इसको भी अच्छे से हिलाते हुए हमको 2 से 3 मिनट तक, सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है हमको, आधा पकाना है। इसको भी 2 से 3 मिनट हो गए। अभी हम शिमला मिर्ची कैबेज डाल देंगे। ये क्रंचीनेस है ना इसमें का, हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसको। जो चाहे सब्जी डाल सकते हैं, अपनी मर्जी है। ये बेसिक है जो सब्जी में डाल दें, इसको भी हम इसी तरह से पका लेंगे। ये मसाले जो है डाल देंगे, लास्ट में हम मैगी मसाला डालेंगे। हम लिक्विड मसाले इसलिए नहीं डालें, हमको ये प्रेस करके भी रखना है। अगर हम लिक्विड मसाले इसमें डालेंगे, जैसे कि सोया सॉस है, चिली सॉस है, ये डालेंगे तो वो फट सकते हैं रोल, इसलिए हम इसको फ्राई रखते हैं। अभी हमारी फिलिंग रेडी है, हम इसमें मसाला डाल लेंगे, मैगी मैजिक मसाला, और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिलिंग हमारी ठंडी होने के लिए रख ली है। अभी हम शीट बनाएंगे। हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया, 15 मिनट हो गए। इसको छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे हम इस तरह से। प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ कर लिए। अभी हम छोटे छोटे रोटी बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से बना के हम रखते जाएंगे। पे हम तेल लगाएंगे इस तरह से। सूखा आटा डालेंगे, मैदा जो है, फिर एक इस पे रख लेंगे हम। पहले भी मैं बताई थी इसको कैसे बनाना, समोसा पट्टी, इसी तरह से हम बना लेंगे। इस पे भी हम तेल लगाएंगे, मैदा डालेंगे,
तरह से सारे हम बना लेंगे। बहुत आसानी के साथ बन जाते हैं और बहुत जल्दी बनने वाले हैं ये। घर की शीट बना के हम इस तरह से रख सकते हैं। अब इसको हल्के हाथों से फिर से हम बेल लेंगे इस तरह। जितना साइज अपने को चाहिए उतना बड़ा बेल कर। मीडियम साइज रखूंगी मैं। तवा रख लिए हम गरम होने के लिए। इसमें हम डाल लेंगे, 2 मिनट हम इस पे रखेंगे, पलटा लेंगे। ज्यादा हमको पकाना नहीं है। हल्का सा गरम होने देंगे। देखिए इस तरह से कलर थोड़ा चेंज हो रहा। हम पलटा लेंगे इसको भी इस तरह से पका लेंगे हम। ज्यादा नहीं पकाना है हमको, हल्का इसको गरम करना। ये अभी हमारे शेप तैयार है। हम इसको हल्के हाथों से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से ये हो गई हमारी। ये भी हम इसी तरह से निकाल, दूसरी वाली भी इस तरह से हमको निकाल लेना है हल्के हाथों से। देखिए माशाल्लाह ये भी निकल गई। सारे हम इसी तरह से बना के रख लेंगे। देखिए हमारे चारों भी अच्छे से बन गए। ये थोड़ा थोड़ा हमको जगह छोड़ छोड़ के करना है, इस तरह से निकालना है। देखिए माशाल्लाह अभी हम स्प्रिंग रोल बना सकते हैं आसानी के साथ, या समोसा पट्टी भी हम बना के रख सकते हैं। अगर प्रेस करना है तो इनको इस तरह से फोल्ड करके रख सकते हैं एयरटाइट डब्बे में। ठीक है अभी हम बनाएंगे। इस तरह से हम कपड़ा रखेंगे, फिर ये जो शीट बनाए हम इसको रखेंगे। इसको हवा नहीं लगना, हवा लगने से ये टूट सकते हैं। इस तरह से हम इसको रखते जाएंगे। सारे बनाने के बाद मैं आप लोग को बताऊंगी। देखिए हम सारे शीट बना लिए माशाल्लाह, देख सकते हैं आप लोग इतने सारे हम बना लिए। अभी हम रोल बनाएंगे। ये हम एक शीट ले लिए। अभी इसमें हम फिलिंग डालेंगे इस तरह से, बिस्मिल्लाह रहमान का इस तरह से पूरा डाल लेंगे। फिर इसको टाइट हमको ऐसा रोल करना है। हम ये मैदा भिगा लिए पानी में, थोड़ा गुनगुने पानी में इसका लेप हम लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से। इसको इस तरह से मोड़ेंगे और इसको इस तरह से। इस तरह से हमारा एक रोल बन गया। हम रखते जाएंगे साइड में। दूसरा भी हम इसी तरह से बना लेंगे। हम हाथ से फिलिंग डालेंगे ताकि अच्छे से आ सके। चाहे तो इसमें चीज भी डाल सकते हैं, पनीर भी डाल सकते हैं, अपने पे है, जो चाहे डाल सकते हैं। इस तरह से टाइट हम थोड़ा करके इसको इस तरह से रोल कर लेंगे। फिर से हम चारों तरफ लगाएंगे।
इसको यहाँ से मोड़ेंगे, इसको यहाँ से। बहुत भी बहुत टेस्टी बनते हैं ये। पहले मेरे बच्चे चिकन रोल ही खाते थे, अब ये वेज रोल भी खा रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे बनते हैं। देखिए इस तरह से सारे हम बना लेंगे, फिर मैं फ्राई करते वक्त बताऊंगी। देखिए माशाल्लाह हमारे स्प्रिंग रोल बनके तैयार है वेज, 15 से 16 बन गए हैं ये माशाल्लाह। अब हम इसको एयरटाइट कैसा रख सकते हैं ये भी बताऊंगी मैं। इस तरह से कोई भी बॉक्स लेके उसमें रख सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं इसको आसानी के साथ इस तरह से। फिर इसी तरह से हमको एक कवर और रख लेना है। इस तरह से हम एक पैक नहीं रखेंगे, कुछ भी रख सकते, बटर पेपर भी रख सकते। इसके बाद हम फिर से 2 ऐसा रखेंगे, फिर ये, फिर से हम इसको ये इसी तरह से ये वाला साइड भी हम रैप कर लेंगे इसको ऐसा। फिर से हम रख लेंगे, 2-2 करके हमको रखना है। अगर बॉक्स अगर बड़ा है तो सारे भी रख सकते इसी तरह से। फिर से हमको इसी तरह से कर लेना है, पैक करके हम फ्रीज कर सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए, महीने भर के लिए भी रख सकते आराम से। रख लिए हम, तेल डाल लिए इसमें, 300 ग्राम तेल डाले हम, फ्राई करेंगे अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से एक एक करके हम डाल लेंगे, 2 से 3 मिनट के बाद हम पलटाएंगे। अभी माशाल्लाह हमारे स्प्रिंग रोल फ्राई हो गए, हम निकाल लेंगे इसको इस तरह से एक एक करके, सारे हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। बहुत भी बहुत क्रिस्पी बनते हैं माशाल्लाह, आप लोग बना के ज़रूर देखिए, इफ्तारी में बनाइए, बहुत भी बहुत टेस्टी बनते हैं। इसी तरह से हम सारे फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितने क्रिस्पी बने हैं ये माशाल्लाह, देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी बने। मैं काट के भी बताऊंगी आप लोग को, बिस्मिल्लाह। देखिए माशाल्लाह बहुत भी बहुत क्रिस्पी बने हैं, देखिए अंदर से भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। देखिए फ्रेंड्स अभी हमारे इफ्तार के लिए रमज़ान स्पेशल स्प्रिंग रोल बनके तैयार है वेज, आप लोग भी ज़रूर बनाइए। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। जज़ाकअल्लाह।